छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश घोषित किया था। प्रदेश सरकार की बागडोर संभालने के साथ सबसे पहले आदिवासियों का विश्वास जीतने का कार्य कांग्रेस की सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश घोषित किया है। प्रदेश सरकार की बागडोर संभालने के साथ सबसे पहले आदिवासियों का विश्वास जीतने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है। वहीं जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। 19 आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान से रैली निकाली गई और रैली में जिले सहित आसपास के आदिवासी क्षेत्र से आए लगभग 19 समाज के हजारों लोग शामिल हुए। ग्रामीण क्षेत्रों से भी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शरीक होने रायगढ़ पहुंचे थे। विशाल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक पहुँची, जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। रैली में महिलाएं व बच्चे भी उपस्थित रहे। इस विशाल रैली का समापन नगर निगम ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में ऑडिटोरियम में आम सभा आयोजित की गई और नगर निगम ऑडिटोरियम में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धर्म जयगढ़ विधायक व मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लालजीत सिंह राठिया उपस्थित रहे। आदिवासी समाज से आए हुए वक्ताओं ने मंच के माध्यम से अपनी बात रखी और भूपेश सरकार को आदिवासी दिवस पर अवकाश के लिए धन्यवाद दिया। रायगढ़ विधायक ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी अंचलों में ऐसे काम करेगी जिससे उनकी आदिवासी समाज की जिंदगी सरल हो। धर्म जयगढ़ विधायक ने प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते हुए राज्य और राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मान के साथ आदिवासियों को जोड़ने की बात कही। आदिवासी समाज बहुत कम समय में ठोस मुकाम पर पहुंचे हैं। जिले में सभी उच्च पदों पर आसीन आदिवासी समाज के मूल निवासी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समाज के सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आदिवासी समाज के द्वारा कार्यक्रम में आए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये विश्व आदिवासी दिवस के कारण सारे सर्व आदिवासी समाज आज एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपने समाज के जो परेशानियां हैं, दुख दर्द है, उसको शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं। और इसमें 42 प्रकार के आदिवासी लोग आए हैं, जिसमें प्रमुखतः ज़्यादा गोंड समाज हैं, कंवर समाज हैं, धांगर समाज हैं, उरांव समाज हैं, इस प्रकार और भी अलग अलग समाज के जाति के अध्यक्ष लोग आए हैं और सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पिछली सरकार उद्योगपतियों की सरकार थी, अभी नई सरकार बनी, भूपेश सरकार बनी है, वो कई प्रकार के वन अधिकार पट्टा जैसे कई प्रकार के योजनाएं आदिवासियों के ला रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा ये कहना है कि रायगढ़ ज़िला एक आदिवासी ज़िला है। इस ज़िले में सभी जल जंगल जमीन में उनके कब्जा है और वो रहते आ रहे हैं बरसों से, मूल निवासी के नाते उनको हटाया जाना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे जगह रहना नहीं चाहते, वो जंगल में ही रहना चाहते हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि उनको जल जंगल जमीन में उनको बसाया जाए, उनको विस्थापित किया जाए और उनको जो पहले से वो करते आ रहे हैं अपने आदिवासियों के हित में काम, उनको करने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं हमारे विश्व आदिवासी दिवस पर हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी को, जिनके नेतृत्व में आज जो है रायपुर में बृहद रूप से आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो है आदिवासियों को होने वाले लाभ, सरकार के द्वारा फायदे, उनको जो है हमारे सभी आज बता रहे हैं। और जल जंगल जमीन जो हमारे आदिवासियों का मूल अधिकार है, मूल उनके निवास है, उसके लिए जो है हमारी सरकार हमेशा तत्पर है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसान हैं, आदिवासी वर्ग हैं, उनके लिए जो है सरकार योजना ला रही है
आज जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होती थी, उसको जो है जन्म के साथ ही हमारी सरकार ने उनको अपना अधिकार देना चालू कर दिया है। बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जो है हमारे आदिवासी समाज के लिए सरकार काम कर रही है। पिछली सरकार उद्योगपति की सरकार थी, अभी कांग्रेस सरकार बनी है, आदिवासियों के लिए काम कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शासकीय सेवा में जो है इनको लाभ दिलाने की हमारी सरकार जो है बेहद प्रयास कर रही है। आज 9 अगस्त है और आज के दिन पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाते हैं और ये बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज के इस दिन को पर अवकाश घोषित किया है और मैं इस दिन पर सभी आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आज के दिन स्वर्गीय बिरसा मुंडा जी को याद करता हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने समाज के देश के लिए काम किया था। अब पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः बधाई। पिछली सरकार उद्योगपति की सरकार थी, आपकी सरकार वन अधिकार पट्टा वगैरह आदिवासियों के लिए कार्य कर रही है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार है वो खास करके आदिवासियों की सरकार है, किसान की सरकार है, गांव की सरकार है और निम्न वर्ग के लोगों की सरकार है, मध्यम वर्ग की सरकार है और हमारी सरकार जो आम जन है उनके साथ न्याय कर रही है, हमारे आदिवासियों के साथ न्याय कर रही है, हमारे आदिवासी भाइयों और किसान भाइयों के लिए तमाम वो उपाय कर रही है जो हमारे आदिवासी किसानों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।